नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका एडिक्वेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे। सुबह की पहली किरण के साथ ही नैनीताल में हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ और यहाँ पे मॉर्निंग का व्यू बहुत ही सुंदर था। आज हम सबसे पहले जाएंगे नैना पीक। क्या आप जानते हैं इसको चाइना पीक भी कहा जाता था? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताएं और अगर नहीं तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पे नैना पीक इतना ऊंचा था कि यहाँ से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा करता था और इसीलिए इस पीक को उस टाइम पे चाइना पीक भी कहते थे। नैना पीक जो कि नैनीताल का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये मल्लीताल से करीब 9 किलोमीटर दूर है और इसका हाईएस्ट पॉइंट समुद्र तल से 2615 मीटर है। आप यहाँ ट्रैकिंग करके या हॉर्स राइडिंग करके पहुँच सकते हैं। ट्रैक करते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारे कुमाऊनी पेड़ पौधे और फूल देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, जैसे कि बुरांश। नैना पीक के टॉप पे पहुंच के आपको नैनीताल का बेहद ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टिफिन टॉप, जो कि मॉल रोड से करीब 4 किलोमीटर दूर आर्यपट्टा हिल पे लोकेटेड है। नैना पीक की तरह टिफिन टॉप भी काफी हाइट पे है और ये फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। एक टाइम पे नैनीताल के लोगों के लिए ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट हुआ करता था और लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ डे आउट के लिए आया करते थे। आप टिफिन टॉप जाने के लिए पैदल वाला रास्ता यूज कर सकते हैं या हॉर्स राइडिंग करके भी पहुंच सकते हैं, जो कि आपको लवर्स पॉइंट 12 पत्थर से मिलेगा। वैसे तो यहाँ से नैनीताल का बहुत ही क्लियर और खूबसूरत व्यू मिलता है, बट अगर आप यहाँ विंटर्स या रेनी सीजन में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे बादल भी देखने को मिल सकते हैं। आपको टिफिन टॉप पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और हॉर्स राइडिंग। भीमताल नैनीताल का बहुत ही फेमस लेक है, जो कि मॉल रोड से 22 किलोमीटर दूर है। भीमताल पहुंचने के लिए आप हल्द्वानी या काठगोदाम से शेयर टैक्सी या बस ले सकते हैं। नैनी लेक की तरह ही भीमताल भी बोटिंग के लिए फेमस है। बोटिंग के अलावा आप यहाँ कुछ और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, कायकिंग एंड वाटर जॉर्बिंग। सातताल भीमताल से करीब 12 किलोमीटर दूर है और ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट 7 अलग अलग ताल को जोड़ के बना हुआ है। उन 7 तालों के नाम हैं पूर्णताल, रामताल, सीताताल, लक्ष्मणताल, नल दमयंती ताल, सुखताल एंड गरुणताल।
अगला डेस्टिनेशन है नैनीताल का फेमस जू, जो कि 11 एकड़ में फैला हुआ है। ये उत्तराखंड में अकेला जू है जो कि 1984 में बनाया गया था और ये जू विजिटर्स के लिए ईयर 1995 में ओपन किया गया था। इस जू में आपको बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि रेड पांडा, हिमालयन गोरिल, गुलदर, हिमालयन ब्लैक बेयर और रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा आपको यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेड जंगल फाउल, वाइट क्रिएटेड कैलीफीजन, हिमालयन मोनल और भी बहुत कुछ। अगर आप भी हमारे तरह घूमना पसंद करते हैं तो हमारे एडिक्वेट ट्रैवल ऐप को यूज कर सकते हैं। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडिक्वेट ट्रैवल ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे हम मॉल रोड पे ब्रेकफास्ट करके नैनीताल के फेमस रोपवे की सैर के लिए गए। रोपवे से आप नैनीताल का एरियल व्यू ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अनोखा और बेहतरीन लगता है। यहाँ रोपवे के लिए राउंड ट्रिप के चार्जेस हैं 360 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 260 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन, जो कि 1 आवर के लिए वैलिड होता है। आप 1 घंटा स्नो व्यू पॉइंट पे रुक के फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, जहां से आपको हिमालयन रेंज दिखता है। इसके अलावा स्नो व्यू पॉइंट पे कुछ शॉप्स भी हैं, जहां पे आप पहाड़ों की मैगी और चाय का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कैची धाम।
कैची धाम नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। ये जगह नीम करोली बाबा द्वारा 1964 में स्थापित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। इस जगह की मान्यता भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। अपने जीवन काल में किरोली बाबा ने बहुत सारे स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में बाबा जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा नैनीताल का ट्रिप खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।